أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد. नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आपके सामने प्रोग्राम सलीफ़े ज़िंदगी लेकर फिर हाज़िर ख़िदमत हैं। आपके सामने आज सलीफ़े ज़िंदगी का चौथा दर्स पेश कर रहा हूँ। जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इंसान के पास खुदावंद मुताल की अजीम तरीन नेमत है कि जिसे ज़िंदगी कहा जाता है, और इंसानी ज़िंदगी उस वक्त हकीकी मानों में ज़िंदगी कहलाती है कि जब उस ज़िंदगी का इंसान के पास सलीका पाया जाता हो। और अगर इंसान के पास इस ज़िंदगी का सलीका नहीं है तो उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। लिहाजा चंद चीज़ें पहले बयान की जा चुकी हैं, और गुज़िश्ता दर्स में जिस अहम चीज़ की तरफ इशारा किया गया था कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए, इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी में ज़बान का अहम तरीन रोल है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी वो ज़िंदगी है कि जब तक इंसान अपनी ज़बान पर काबू रखता है उस इंसान की ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी कहा जाता है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर निगाह डालें तो अक्सर व बेशतर हमने ये मुशाहिदा किया होगा और देखा होगा कि ज़िंदगी में बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात होती है, और देखते हैं कि अक्सर कहीं कोई इंतकाल हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उस वक्त लोग ये कहते हैं बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बात करते थे, खुश मिजाज थे, और लोग ज़बान के ज़रिए से इंसान को पहचानते हैं। कहा जाता है कि इंसान उस वक्त तक पहचाना ही नहीं जाता कि जब तक कि उसकी ज़बान न खुले। उसके ज़रिए से पहचाना जाता है कि तरीक़े गुफ्तगू क्या है, सलीक़े गुफ्तगू क्या है। इन्हीं तरीक़ों और सलीक़ों से फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी ज़िंदगी का सलीक़ा कैसा है। और अगर सलीक़ा ज़िंदगी का अच्छा होता है तो कहा जाता है कि बेहतरीन ज़िंदगी इंसान गुजार रहा है। मैं जैसे गुज़श्ता दर्स में मैंने बयान किया था कि इंसान अगर अपनी ज़बान पे काबू रख ले तो वो तकरीबन 200 से ज़्यादा गुनाहों से महफूज रह सकता है। मैं सिर्फ फहरिस्त नाम लूँगा, आज आपके सामने बयान करूँगा कि इंसान एक इंसान किस तरीके से अगर अपनी ज़बान पर काबू रखता है तो कितने गुनाहों से अपने आप को महफूज रख सकता है। हम सिर्फ तवज्जो नहीं देते कि सिर्फ ज़बान के ज़रिए से, आँखों के ज़रिए से छोड़िए कौन कौन से गुनाह होते हैं, कानों के ज़रिए से कौन कौन से गुनाह होते हैं, ज़बान होठों के ज़रिए से, हाथ के ज़रिए से, पैर के ज़रिए से, जिस्म के तमाम अज़ा के ज़रिए से कौन कौन से गुनाह होते हैं उनको छोड़िए, सिर्फ देखिए कि ज़बान के ज़रिए से कितने गुनाह होते हैं। और न जाने हमारी ज़िंदगी कितनी कड़वी हो जाती है और हमारी ये ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाती है अगर ये हमारे पास ज़बानी सलीका ज़िंदगी का मौजूद नहीं है। इंसानी ज़िंदगी में अगर देखिए तो इस ज़बान को काबू न रखने की वजह से इंसान कौन कौन से गुनाह का शिकार होता है। आप सबसे ज़्यादा जो इंसान इस ज़बान के ज़रिए से जिस गुनाह का शिकार होता है वो गुनाह होता है गीबत, बुराई का। आमतौर से लोग बुराई करते भी चले जाते हैं और कहते भी हैं कि हम बुरा नहीं कर रहे हैं, जबकि अगर आप किसी में बुराई देख रहे हैं तो खुद उससे कह दीजिए, वहाँ इम्कान ये भी पाया जा सकता है कि वो इंसान अपनी उस बुराई को ख़त्म कर ले।
और अपनी इसलाह कर ले, हो सकता है तौबा करके बारगाह खुदावंदी में वो वापस हो जाए। लिहाजा इंसान को गीबत से परहेज करना चाहिए। अलगीबत तो अशद्दु मिन अद्दना, गीबत जिना से भी बदतरीन गुनाह। और ये गीबत अंजाम किससे पाती है? जबान के जरिए से। लिहाजा एक नुकसान यह है कि अगर हमने जबान पे काबू नहीं किया तो काबू न करने की बुनियाद पर हम गीबत के शिकार हो जाते हैं। दूसरी चीज काना फूसी, यानी किसी की बुराई हम करने लगते हैं गीबत से हट करके, ये भी एक गुनाह है और ये भी एक बुराई है कि दो आदमी, दो तीन आदमी बैठे हुए हैं, आपस में गुफ्तगू सब में चल रही, लेकिन उनमें से दो आदमी अपने कान में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी एक ऐब है, ये गुफ्तगू का सलीका नहीं है। इसी तरीके से झूठ, ये जबान के जरिए से गुनाह तय पाता है। इंसान कभी इधर की गुफ्तगू करता है, कभी उधर की, कभी ये बात कहता है, कभी दूसरी बात कहता है, यानी इसे कहते हैं दो जबानी, ये भी एक गुनाह है। गाली, लानत, इजहारे नफरत, ताना, ये देखिए सब जबानी गुनाह है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बिला वजह तारीफ करना, इजहार गजब गुस्सा, ये सब जबान से गुनाह अंजाम पाते हैं। गाना गाना, ये सब जबानी गुनाह है। बहुत ज्यादा हंसना और बहुत ज्यादा जो है मजाक करना, कि जो तफरके और फसाद का सबब होता है, ये भी जो है एक गुनाह है कि जो जबान के जरिए से अंजाम पाता है। झगड़ा, लड़ाई, बिला वजह का किसी का फंसाने वाला, किसी को फंसाने वाला सवाल किया जाए, बगैर इल्म के कलाम, यानी इंसान के पास इल्म है ही नहीं और उस चीज के सिलसिले में बोला जा रहा है, डॉक्टर है नहीं, डॉक्टरों के बारे में बोलता चला जा रहा है, दवा बता रहे लोगों को, ये भी एक गुनाह है। आलिम नहीं है लेकिन आलिमों जैसी गुफ्तगू किए चला जा रहा है, ये भी एक गुनाह, ये जबान के जरिए से होने वाला गुनाह। बिला वजह की गुफ्तगू, खुदा का इनकार, ये सारे गुनाह देखिए किस चीज से होते हैं, जबान के जरिए से। आयत खुदा का इनकार, कुफरान नेमत, खुदा से शिकवा, इजहारे ना उम्मीदी, और इसके अलावा देखा जाए तो खुदा का दावा, खुदाई का दावा, जैसे फिरौनों का ग्रंथ, ये सब जबान ही के जरिए से हुआ। बिला वजह की खुदा से कोई दरख्वास्त, और इसके अलावा दूसरों की के ऊपर तोहमत लगाना, या जो है इनकारे रिसालत, या जो है इसी तरीके से दूसरों के राज को फाश करना, किसी के ऐब को बयान करना, या जो है इसी तरीके से अगर देखे जाइए किसी मोमिन को जलील करना, ये सारी चीजें क्या है? इसी जबान के जरिए से। किसी मोमिन को डराना, धमकाना, या जो है बिला वजह अपनी तंगदस्ती का ऐलान करना, किसी में ऐब तलाश करना, किसी को जबरदस्ती कोई झूठा झूठी उसके ऊपर तोहमत लगाना, किसी से झूठा वादा करना, या किसी में अच्छे ऐब पाए जाते हैं उसे बुरा बयान करना, ये सारी चीजें क्या है? ये सिर्फ जबान के जरिए से होने वाली गुनाह है। अगर एक एक चीज पर रोशनी डाली जाए तो काफी तवील गुफ्तगू हो जाएगी। मैंने सिर्फ ये इख्तिसार के तौर पे इन चीजों का सिर्फ नाम बयान किया है, ये जबान के जरिए से होने वाले, जबकि मैंने पूरी फहरिस्त नहीं की, नहीं चंद चीजों के मैंने ये नाम बयान किए हैं कि अगर इंसान अपनी जबान पर काबू नहीं रखता, इन गुनाहों का शिकार होगा, और इन गुनाहों का शिकार होने वाला, इसकी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती। जब अच्छी जिंदगी नहीं है तो उसके पास सलीके जिंदगी भी नहीं पाया जाएगा। लिहाजा बारगाह खुदावंदी में इंसान को तौबा करना चाहिए, और उसके बाद ये खुदा वो खुदावंदे मुताल से ये दुआ करना चाहिए कि जबान के जरिए से होने वाले गुनाहों से खुदा हमें महफूज रखे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया और अपने आप को जबान से महफूज रखा, तो हम खुदा के दीगर चीजों का जवाब तो छोड़िए, सिर्फ अपनी जबान का जवाब नहीं दे सकते,
कि हमने इसका सही इस्तेमाल कब किया। दुनिया में भी हमारे पास सलीका जिंदगी नहीं होगा, और जब सलीका जिंदगी नहीं होगा तो हम खुदा की बंदगी सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते, और जब उसके हम सही तरीके से बंदे नहीं हो सकते तो बारगाह खुदावंदी में हम सुरखरू नहीं हो सकते। बारगाह खुदावंदी में दुआ है कि हम सबको इन जबानी गुनाहों से महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।